एक जरूरी सोचना है, ये वीडियो दो भाग में बनेगा। पहले भाग में मैं पतरातू लेक का स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स दिखाऊंगा। दूसरे भाग में मैं इसका फूड रिव्यू करूंगा, इसके रेस्टोरेंट में कैसा खाना मिलता है। अब भी आप मेरा गाड़ी का ना तेल ख़त्म हो गया, मुझे जाना यहाँ पतरातू लेक रिजॉर्ट में जाना, लेक रिजॉर्ट। तो अभी हम किसी से लिफ्ट ले लेंगे या पैदल जाएंगे, नीचे है इसी के नीचे, इधर देखिए, इधर 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 इसी के नीचे है, देखिए पतरातू लेक रिजॉर्ट है इसके नीचे। तो चलिए अभी पैदल चलिए, अभी हम पैदल जाएंगे, गिर जाएंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन पैदल जाना पड़ेगा, लेफ्ट लेंगे तो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, इधर पेट्रोल भराया नहीं जाता है, क्या करें, चलते हैं। हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं टूर्स एंड क्यूजिन्स, मेरा नाम पवन कुमार है। भूल गए क्या, क्या करें, चलिए शुरू कर। रांची से आ रहे हैं तो पतरातू वैली होके आना पड़ेगा। अगर आप रामगढ़ साइड से आ रहे हैं, यानी हजारीबाग धनबाद बोकारो से आ रहे हैं, तो आपको रामगढ़ होके आना पड़ेगा। बट अगर आप मेरा मानिए तो आप रांची होके आइए, ताकि आप पतरातू वैली का भी नज़ारा ले सकें। इतना ही था, हम जा रहे हैं पतरातू की तरफ, पतरातू लेक रिजॉर्ट की तरफ। और हाँ, पतरातू लेक रिजॉर्ट में मैंने टैरिफ पता किया है, टैरिफ ऐसा है कि आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। JTDC के वेबसाइट पे सारा टैरिफ दिया हुआ है। डबल बेडरूम 3000 का है, बाकी डोमेट्री सिस्टम है। आप ऑनलाइन जाइए JTDC के वेबसाइट पे, वहाँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन है कितना क्या टैरिफ है खाने पीने और रहने ठहरने का। तो बस इतना ही था, वहाँ चल के देखेंगे कैसा होगा नज़ारा। आ गए आप लोग, फाइनली आ गए ना पतरातू रिजॉर्ट। यहाँ पे मेरे पीछे क्या है, मेरे पीछे पतरातू रिजॉर्ट है, और इस रिजॉर्ट की खूबसूरती आपको जरूर दिखाएंगे, साथ में पतरातू वैली दिखाएंगे, और शाम में इसका ना सूरज जो डूबता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों चलो चलते हैं। Just
एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि अगर आप वोटिंग करेंगे तो 750 रुपये आपको सिंपल राइड है, और पीछे मेरे एक आइलैंड है, अगर उस आइलैंड पे जाना है तो आपको 1500 रुपये लगेंगे और वहाँ हाफ एन आवर आपको स्टे करने मिलेगा। बेस्ट टाइम है आइलैंड पे आने का शाम में, क्योंकि सनसेट वहाँ काफ़ी सुंदर होता है। हालाँकि हम पहले जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास और भी काम है, मेरे को जल्दी जाना है, तो मैं आपको दोपहर का वीडियो दिखाऊंगा वहाँ और थोड़े राइड का मज़ा भी दिखाऊंगा आपको। राइट 1500 आपको लगेगा महंगा, लेकिन एक बोट का 1500 लगता है, एक इंसान का नहीं। आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, 4 से 5 लोग विथ ड्राइवर 6। 1500 में आप टापू पे आ सकते हैं, आधा घंटा बिता सकते हैं टापू पे, उसके बाद आप वापस जाएं। और फिलहाल हम टापू पे आ चुके हैं, चलिए टापू पे दिखाएंगे क्या है। इधर से चलेंगे, इधर से वाओ, पानी के बीच में अच्छा है। शाम के टाइम में ये टापू खुद में एक बेहतरीन नज़ारा लेके आता है। इस नज़ारे का दीदार कीजिए मात्र 1500 रुपये में, और ये झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन का प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की है। इतनी अच्छी फैसिलिटी हमारे झारखंड में है, आपको स्पोर्ट्स स्कीइंग का मज़ा देता है, स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा है यहाँ पर, सब झारखंड सरकार की तरफ से। फ्री नहीं है, 1500 लगता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा हो गया हमारे लिए क्योंकि हम 3 ही लोग आए थे। कोई बात नहीं, लेकिन
मज़ा बहुत आया मुझे और मेरी पूरी फैमिली को। मैं हूँ, मेरी वाइफ और एक मम्मी है, हम तीन लोग हैं यहाँ। उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना भी तो है,